बिग बॉस सीजन 14 के घर से बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज को लेकर एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं दोस्तों। बिग बॉस सीजन 14 के घर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दो सबसे बड़े खतरनाक दुश्मन एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल कृष्ण वैद्य और रुबीना दिलैक का, जहां पर राहुल कृष्ण वैद्य अपनी दुश्मनी को भुलाते हुए रुबीना दिलैक का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते कुछ रिपोर्ट पहले हम आप सभी दर्शकों को बता चुके हैं कि राहुल कृष्ण वैद्य काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। राहुल कृष्ण वैद्य की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, नाजुक बन जाती है बिग बॉस सीजन 14 के घर में। ऐसे में एली गोनी और जैस्मिन बसीन राहुल कृष्ण वैद्य का साथ नहीं देते हैं, बल्कि रुबीना दिलैक देती हैं राहुल कृष्ण वैद्य का साथ। राहुल कृष्ण वैद्य के पास जाकर उनके हालात के बारे में पूछती है और उनके पास जो भी मेडिसिन रहता है वो राहुल कृष्ण वैद्य के साथ शेयर करती हैं और कहती हैं कि जो भी आपको ज़रूरत है उसे आप मेरे साथ मांग लेना। ये सब चीज़ें बोलते हुए नजर आती हैं राहुल कृष्ण वैद्य से रुबीना दिलैक। अब रुबीना दिलैक भी परेशान हैं वीकेंड के वार के एपिसोड के शूट से पहले, और उसकी सबसे बड़ी वजह है ज्योतिका दिलैक। ज्योतिका दिलैक अकेली आई है मुंबई और अकेले अपने गांव शिमला में जाएंगी, और इसी बात को लेकर रुबीना दिलैक काफ़ी परेशान रहती हैं। और हम आपको बता दें कि वीकेंड के वार के एपिसोड में इस बार अभिनव शुक्ला भी रुबीना दिलैक के साथ नहीं है, क्योंकि उनका भी इविक्शन हो चुका है, और इस बात को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं रुबीना दिलैक आधी रात को, जहां पर रुबीना दिलैक की बहन ज्योतिका दिलैक सो रही होती हैं। अब राहुल कृष्ण वैद्य की नज़र पड़ती है रुबीना दिलैक पर, और रुबीना दिलैक के हाव भाव से राहुल कृष्ण वैद्य अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रुबीना दिलैक परेशान हैं। रुबीना दिलैक के पास जाते हैं राहुल कृष्ण वैद्य और बोलते हैं कि क्या कौन सी बात हो गई कि आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, काफ़ी डिप्रेस दिखाई दे रहे हो। फिर उसके बाद रुबीना दिलैक पूरी बात बताती हैं कि मैं अपनी बहन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरी बहन जो है वो अकेले आई है मुंबई और अकेले जाएगी अपने गाँव में, और अभिनव शुक्ला भी यहाँ पर नहीं है। इस तरह की खबरें मेरे कान तक पहुंची है, और इसी बात को लेकर राहुल कृष्ण वैद्य जो हैं रुबीना दिलैक से कहते हैं, बस इतनी सी बात मैं दिशा परमार से कह देता हूं कि आपकी बहन को आपके गांव में छोड़ दें, और साथ ही साथ दिशा परमार कुछ ना कुछ तो व्यवस्था ज़रूर कर लेगी। और ये बात को सुनते ही रुबीना दिलैक के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है। इसके बाद फौरन जो है अभिनव शुक्ला का गिफ्ट आता है रुबीना दिलैक के लिए, और एक साथ मिलती हैं दो सबसे बड़ी खुशखबरी। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।